अन्नपूर्णा ज्योतिष संस्थान की ओर से आप सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मां नर्मदा का प्राकट्य माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ, अतः हम इस दिन को नर्मदा जयंती के रूप में मनाते हैं। मां नर्मदा की महिमा का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। मां नर्मदा का प्राकट्य विष्णु के द्वारा किए गए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव ने अमरकंटक के मैकल पर्वत पर 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से निम्न ऐसे वरदान प्राप्त किए जो किसी भी अन्य तीर्थ एवं नदी को प्राप्त नहीं है। जैसे प्रलय में मां नर्मदा का नाश नहीं होता, मां नर्मदा में विद्यमान हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजित है। विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। कई लोग जो इस रहस्य को नहीं जानते वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है, जबकि श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजित हैं। मां नर्मदा के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवताओं का निवास होता है। सभी देवता ऋषि मुनि गणेश कार्तिकेय राम लक्ष्मण हनुमान आदि ने नर्मदा के तट पर ही तपस्या करके विभिन्न सिद्धियां प्राप्त की। दिव्य नदी नर्मदा के दक्षिण तट पर सूर्य द्वारा तपस्या करके आदित्येश्वर तीर्थ स्थापित किया गया। महाभारत और रामायण ग्रंथों में इसे रेवा के नाम से पुकारा गया है एवं मां नर्मदा को गंगा से भी पवित्र माना गया है। लोग ऐसा मानते हैं कि साल में एक बार स्वयं मां गंगा काली गाय के रूप में आकर नर्मदा स्नान करती हैं एवं सभी पापों से मुक्त हो श्वेत होकर लौटती हैं। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा का विधान है, और पुराणों के अनुसार जहाँ गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर न बहकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मां नर्मदा आप सभी पर कृपा बना